मक्का से मिले भी ना हम नहीं साथ होंगे। मक्का से मिलेंगे, लोग इंतजार करेंगे एक मुसलमान मिलना चाहता है, एक हनुमान का भक्त मिलना चाहता है, एक इंसान और एक भारतीय अपने अनन्य देव बजरंग बली से मिलना चाहता है। अगर नहीं मिल पाएंगे तो मैं पीछे पीछे बागेश्वर धाम जाऊंगा, लेकिन बाबा से मिलूंगा। गाड़ी के पीछे भागने लगे। हाँ बिल्कुल, बजरंग बली का जो भक्त होगा उसमें दो विशेषता होगी, एक तो ढोंगी नहीं होगा और दूसरा वो निश्चित रूप से वो पागल होगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना चाहते थे गुरु रहमान, आखिरी दिन कल है, अब तक मिल नहीं पाए, क्या मिलेंगे नहीं क्या? मिलना तो मेरा सपना है। हाँ। एक सपना को मैं देख रहा हूँ और प्रत्येक दिन रात में सपना में देख लेते हैं बाबा को। बाबा को रात में सपना देख लेते हैं, लेकिन जब वहाँ गए नौबतपुर में गए एक बार हम मुन्ना भाई गए तो नौबतपुर में भीड़ देखे नौबतपुर बिल्कुल लाख से अधिक टाइप और चूरी छोटी पपड़ी जैसा लग रहा था। मुन्ना भाई और रामदेव बोले मुन्ना भाई इस परिस्थिति में संभव नहीं है, आप वहां से निकल जाइए। हमने निकल निकल के इंतजार किए, कोशिश की, बहुत देर कोशिश की, हमको लग रहा था कि बाबा बजरंग बली का वो बस जाए और बाबा भीड़ में चिल्लाते में दौड़ते हुए वो पहुंच जाए। तो निश्चित रूप से अभी तक ऐसी भीड़ है की वहाँ दबा जाते हैं लोग, तो बेहोश हमारे सामने हुआ है, लेकिन हम बेहोश नहीं डरे थे कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। जब बजरंग बली पहाड़ उठा सकते हैं तो हम भीड़ को जब उठेता नहीं था, लेकिन कोई चारा नहीं लगा, बाबा खुद अंकुट गए थे कि ऐसी परिस्थिति में हम नहीं मिल पाए, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है और मैं जब तक बाबा यहाँ है तब तक किसी भी परिस्थिति में मौजा गुरु रहमान के पास बस कल तक का कल तक है। तो एक घंटा में जब तकदीर बदलती है तो हो सकता है कि आज मिल ले, हो सकता है कल मिल ले, लेकिन बाबा से मिले भी ना हम नहीं साथ मक्का से मिलेंगे, लोग इंतजार करेंगे एक मुसलमान मिलना चाहता है, एक हनुमान का भक्त मिलना चाहता है, एक इंसान और एक भारतीय अपने अनन्य देव बजरंग बली से मिलना चाहता है। और बाबा का ये कर्तव्य बनता है, बाबा का ये फर्ज बनता है कि इस अपने तुच्छ भक्त को भक्त से मिले और आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरे कलेजा में फड़फड़ाहट हो रही है। पूछेंगे कि क्या नाम है, गुरु रहमान नाम है, पूछेंगे कि मुसलमान है, इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? नहीं नहीं, देखिए जिंदगी में मेरे साथ जो गुजरा है जी, और बजरंग बली ने जिस तरह से आगे मुझे संवारा है, तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ओल्ड और कोई भी, कहते हैं बिहार के पागलों यानी उनका प्यार है ये कि बिल्कुल बिहार के भक्तों को बोलते हैं कि जो हनुमान भगवान के प्रति पागल रहते हैं उनको वो बोलते हैं बिहार के पागलों क्या हाल है, क्या बोलिए? सुन लीजिए आप, बजरंग बली का जो भक्त होगा उसमें दो विशेषता होगी, एक तो ढोंगी नहीं होगा और दूसरा वो निश्चित रूप से वो पागल होगा। तो बिहार के पागलों को बोलते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है कि चलिए ये पागल बोल रहे हैं। ये तो आशीर्वाद में क्या मांगिएगा? आशीर्वाद में मुझे मांगना है केवल और केवल गुरुकुल अरम्य अदिति अनाथालय जो मैं खोल रहा हूँ वो खुल जाए और गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर सहित के परिवारों को मैं शिक्षा दे सकूं और कलम के बल पर क्रांति ला सकूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी मंदिर मस्जिद से मुझे कोई मतलब नहीं है। छात्रों के लिए क्या मांगे? छात्रों के लिए कलम 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 के बल पर एक नई क्रांति और शिक्षा के बल पर बिहार को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का एक प्रयास। सब चीज जान जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप जाइएगा और कुछ गड़बड़ होगा तो तुरंत बोलेंगे गुरु रहमान ऐसा है। बाबा जानते हैं कि नहीं जानिए जाते हैं, लेकिन बाबा ये भी जान जाएंगे तो बाबा जानते थे कि मैं अमिता से प्यार करता था, अमिता से प्यार करता हूँ, अमिता को अपनी पत्नी बनाया मैंने और आज मेरी पत्नी है और क्या है मेरे पास। और दूसरा प्यार दो को नहीं होता है, जैसे बजरंग बली एक के को होता है, मैं दिग्विजय सिंह नहीं हूँ भैया, मुझे सिर्फ एक प्यार है, अपनी पत्नी से प्यार है, अपनी बेटी और बेटा से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाबा तड़प रहे हैं ना अभी भी पूरी तरह से, अब तो धड़कन बढ़ रही है। जैसे समय हो गया आज 16 हो गया, कल 17 कल 8 में, अगर बाबा नहीं मिल पाएंगे तो मैं पीछे पीछे बागेश्वर धाम जाऊंगा, लेकिन बाबा से मिलूंगा। गाड़ी के पीछे भागने लगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बाबा से मिलना है। बाबा बजरंग बली के भक्त है, मैं बजरंग बली का प्यादा हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे बाबा मिले और मुझे आशीर्वाद। आज कितने का समय है? निश्चित रूप से हो सकता है कि बजरंग बली का आशीर्वाद से आज मुझे मेरी भेंट हो जाए, भेंट हो जाए। देखिए गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दिए हैं कि अगर बाबा नहीं मिले तो उनके गाड़ी के पीछे दौड़ जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। क्या कुछ कहना था और कितना प्यार है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को, आपने सुन लिया। मिलेंगे जरूर गुरु रहमान, अगर मिलेंगे तो लाइव सीरीज जरूर आपको दिखाएगा कि गुरु रहमान मिले कैसे, और अगर नहीं मिल पाए तो वो दर्द भी दिखाएंगे और अगर मिले तो वो खुशी भी दिखाएंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।